100% डिलीवर करेंगे। इसी से रिलेटेड है फवाद, आपको चांस मिला है तो जाहिर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा आपको लोग सपोर्ट कर रहे थे, उनकी तवक्कुआत आपसे वापस हैं, तो अगर आप खुदा न खास्ता, हम तो सभी चाहते हैं आप कामयाब हों, अगर आप थोड़ा प्रेशर में नहीं खेल पाते इस सीरीज़ में तो आप चाहेंगे कि आपको लॉन्ग रन दिया जाए जिस तरह दीगर प्लेयर्स को दिया जाए? देखिए जी, मेरे ख्याल से जो अभी अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी है मुझे उसमें जीना चाहिए और मैं उसमें पॉजिटिव सोचूं। आगे का अगर अभी से सोचने लगूंगा तो जो मेरे हाथ में अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है उससे मेरा फोकस हट जाएगा। सो मेरी कोशिश यही है, जो अल्लाह ने मुझे एक रास्ता दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया, मेरी पूरी कोशिश होगी और 200% अपनी कोशिश करूँगा कि मैं उसमें परफॉर्म करूँ। और एक विकेट के बाद आपकी वापसी होने के डिस्टेंस होता है, बहुत फ़र्क होता है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? और दूसरा ये कि जाहिर है कि कराची आपका होम ग्राउंड है, इंशाल्लाह आप यहाँ पर खेलेंगे। पीसीबी की जानिब से ये तजवीज़ आई है कि मुमकिन तौर पर बांग्लादेश यहाँ पर डे एंड नाइट क्रिकेट मैच खेले, उसको कैसे देखते हैं आप? और दूसरी बात ये कि श्रीलंका की टीम के जो लकमल हैं वो टीम से आउट हो गए हैं, फास्ट बॉलर थे, तो सीरीज़ पर कैसा फर्क पड़ेगा? बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखें जी, इतने पाकिस्तान में इतने अरसे के बाद क्रिकेट वापस आ रही है, क्रिकेट तो पहले भी वापस आई है बट टेस्ट क्रिकेट जो है वापस आ रही है और श्रीलंका आ रही है, टूर करने आ रही है। आई थिंक खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और हमारी पूरी कौम के लिए, एक कंट्री के लिए, और अच्छा एक मैसेज जाएगा। और जहाँ तक डे एंड नाइट और बांग्लादेश के साथ है, जाहिर है अभी पूरे वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भी डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेला है। सो अल्लाह करे, हमारी दुआएं, बेस्ट विशेज़ हैं कि पीसीबी जो मेहनत कर रहा है तो उसकी उनकी जो मेहनत है वो रंग लाए और वो होगा तो एक अच्छा है, हमें भी यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा टेस्ट टीम में, क्योंकि आप डे एंड नाइट खेलते हो ताकि आप बाहर जाके भी खेलोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो पिंक बॉल का। और जहाँ तक लकमल की बात है, उनके मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर हैं टेस्ट में और आई थिंक फास्ट बॉलर्स में सबसे ज़्यादा विकेट उन्हीं की हैं फ़िलहाल, जो अभी करंट उनके फास्ट बॉलर्स हैं। सो श्रीलंका को उसमें बहुत धचका लगेगा और हमें देखें जी, एज अ प्लेयर और एज अ टीम हमें तो जो सामने आना है हमने उसको टैकल करना है, उसके सामने खेलना और अच्छा परफॉर्म करना है। ज़ाहिर है उनको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और हमें भी थोड़ा फ़ायदा होगा उस चीज़ से। 10 साल बाद वापसी हो रही है तो कोशिश आपकी ये होगी कि जितना अरसा बाहर रहे इतना अरसा पाकिस्तान टीम को भी सर्व करें, लेकिन आज एक साबिक चीफ सेलेक्टर का बयान आया कि जिस तरह राम प्रकाश इंग्लैंड के बैट्समैन होते थे, डोमेस्टिक में उनकी तकरीबन 56-57 रन की एवरेज थी, 100 सेंचुरियाँ थी, इसी तरह फवाद डोमेस्टिक के प्लेयर हैं तो टेस्ट के प्लेयर जो हैं उनमें इतना वो नहीं है। अगर मिसबा ने उनको सेलेक्ट किया तो उनकी अपनी सोच होगी, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर कुछ नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल से मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, ऑनर की बात है कि मेरा नाम राम प्रकाश के साथ जुड़ा, मेरे लिए एक यही ऑनर की बात है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि एक इतना बड़ा और उसने भी इतने सारे टेस्ट मैचेस खेले में अपनी कंट्री से और इतना परफॉर्म, मतलब मैंने जितने रन्स किए हैं इतने थोड़े बहुत किए हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, अभी 100 सेंचुरियाँ आपने खुद ही बताई, तो मेरी तो अभी आधी भी नहीं है, आधी से भी कम है, और तो बड़ी बात है मेरे लिए, तो ऑनर की बात है कि मेरा नाम उनके साथ जुड़ा। और बाकी देखें जी, इस चीज़ का जवाब यही दूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि परफॉर्म करूं और कोशिश करूंगा कि सबको गलत साबित करूं। क्रिकेट का रिवाइवल कंट्री में उसी वक्त कामयाब होता है जब फैन जो है वो ग्राउंड में क्रिकेट देखने के लिए आते हैं। आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है तो लग ये रहा है कि टेस्ट मैच में आपके जो क्रिकेट मैच है वो तो लाजमी कराची में तो ज़रूर आएंगे मैच देखने, क्या पैगाम होगा उन फैंस के लिए कि आए, स्टेडियम भरें और इस इवेंट को जो रिवाइवल हो रहा है 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट का, उसको कामयाब बनाना? देखिए, इस इवेंट को हम सब ने मिलकर सक्सेसफुल बनाना है ताकि यही मैसेज उनके पास जाएगा, आगे दूसरी कंट्रीज़ में जाएगा, ये अच्छा मैसेज लेके जाएंगे तो ये सबको बताएंगे। सो हम जितना इसको सक्सेसफुल बनाएंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा, हमारी कौम के लिए फ़ायदा, हमारी क्रिकेट के लिए फ़ायदा है, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है। तो आई थिंक मैसेज यही है, सब आएँ, और क्योंकि सब ने पहले भी सपोर्ट किया, जो टीमें आई हैं, वेस्ट इंडीज़ भी आई थी, श्रीलंका पहले भी आई है, सो माशाल्लाह स्टेडियम में लोग आके सबों ने मैच देखा और टेस्ट क्रिकेट इतने अरसे बाद पाकिस्तान में वापस आ रही है। सो मेरे ख्याल से जो क्रिकेट लवर्स हैं असल, सो वो ज़रूर स्टेडियम्स में आएंगे और टेस्ट क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो मुबारक हो कि आप 10 साल बाद सेलेक्ट हुए, लेकिन इससे पहले कि 2015 में सेलेक्ट हुए थे लेकिन प्लेइंग 11 तक नहीं पहुंच पाए थे, तो अभी कितने पूरी उम्मीद है कि प्लेइंग 11 में आपको शामिल कर लिया जाएगा? हाँ देखिए जी, ये तो डिपेंड करता है, जो कोच हैं, मैनेजर और जो कप्तान है, वो जो टीम सिलेक्शन कमेटी होगी वो डिपेंड करेगी। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि मैं 15 के स्क्वाड में आया और जहाँ पर उनको लगेगा, जहाँ पर मैं डिलीवर कर सकता हूँ पाकिस्तान टीम के लिए, सो वहाँ पर मुझे चांस मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर परफॉर्म करूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर होगा वही होगा। और बाकी ज़ाहिर है वो जब टीम बनती है, ज़ाहिर है विकेट्स देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे, तो उस लिहाज से जो उनको बेहतर लगेगा वो लोग वो करेंगे। फवाद बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू। सब मुबारकबाद दे रहे हैं आपको, आप क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर में? टेस्ट टीम में तो आप सेलेक्ट हो गए, आप पाकिस्तान का ये वतीरा रहा है, जब एक प्लेयर को का कमबैक होता है, वापसी होती है, तो दूसरे फॉर्मेट में भी उसकी राहें खुद ही चली जाती हैं। इफ्तिखार इसकी जिला मिसाल है। T20 वनडे और फिर टेस्ट कैप भी उनको मिली, तो अब क्या देख रहे हैं आपकी T20 और वनडे में भी वापसी होगी इसके साथ? और दूसरा ये भी बताते हैं कि 10 साल का जो अरसा रहा, कितना मुश्किल होता है एक टेस्ट क्रिकेटर के लिए कि वो बाहर बैठकर मैचेस देखे टीवी के ऊपर, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, जरा डिटेल के साथ शेयर करें। पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे जैसे आपने बोला वैसे ही हो जाए। बाकी देखिए मेरा फोकस अभी टेस्ट पे है, क्योंकि अभी पहले टेस्ट पे कमबैक हुआ है, तो कोशिश ये होगी कि जितना अपने आप डिलीवर कर सकूं, जो कुछ है थोड़ा बहुत आता है वो उसको डिलीवर करूं ग्राउंड में। और बाकी लेकिन 10 साल का अरसा, आई थिंक डिटेल में जाएंगे तो 10 साल हैं, 10 साल में कितने दिन, कितने घंटे, कितने सेकेंड, कितने मिनट, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आज का दिन भी बहुत मुश्किल कम पड़ेगा, बहुत मुश्किल टाइम होता है जी। और बस यही होता है कि आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, और फिर जाहिर है आपकी फैमिली जब आपके साथ है आई थिंक तो आपको मोटिवेशन मिलता रहता है। और आप अच्छे लोगों में रहते हो, अच्छी गैदरिंग में रहते हो ना, कि जो पॉजिटिव बातें करते हैं, सो वो बड़ा मतलब एक फ़र्क डालता है। अगर क्योंकि आप उनके साथ बैठोगे उठोगे जो नेगेटिव बात करेंगे कि आपके साथ जाती है, ये है वो है, जो मैं बात करूँ दोस्तों वगैरह की, तो मेरी ये कोई गैदरिंग नहीं थी, तो मेरी जो है अच्छी गैदरिंग है, और वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे कि यार इस सीज़न में कोई बात नहीं, आपने अगले साल दोबारा करना है, जब तक करते रहोगे इंशाल्लाह नॉक करते रहोगे, मैंने जैसे शुरू में कहा। और यही है, और ख़ास तौर पे मेरे वालिद साहब जब भी होते थे बस यही कहते थे कि परेशान नहीं होना, गिरना नहीं है, वो फाइटर कहते हैं कि तुमने फ़ाइट करती रहनी है। सो मेरे ख्याल से एक वो जो एक बंदे हैं मेरी ज़िंदगी में, उनका बहुत बड़ा फ़र्क है और बहुत बड़ा हाथ है। और आपने 3-4 रोज पहले सवाल किया था कि अगर कम बैक करते हैं तो किसको डेडिकेट करेंगे, तो आपने कहा था जब वक्त आएगा तो बताएंगे, तो पहले आप वक्त तो आ गए। ये सदी भाई ने सवाल किया, आपने तो उसको ऑनर के तौर पे लिया, आप हमेशा से लेते, मगर इंतजाम ने आप पे तनकीद की, उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंटरनेशनल में चलने वाले होंगे, तो इस तनकीद को स्टिल इस टाइम आप कैसा देखें? देखिए जी हमारे लेजेंड हैं, मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ, साफ सी बात है कि वो मुझे मेरे लिए कुछ बोलें और मैं उनको जवाब दूं, मैं इतना इस काबिल भी नहीं हूँ, ना मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा सिखाया कि बड़ों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, वो उनका वे ऑफ नेचर है, वे ऑफ मतलब नज़रिया है। सो उन्होंने देखा होगा, कुछ अच्छा देखा होगा। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपना पूरा 100% डिलीवर करूँ, क्योंकि अगर मैं इन बातों में लूँगा तो मेरे लिए परेशानी होगी, क्योंकि मैं नेगेटिव सोचने लग जाऊँगा। तो मेरी कोशिश ये है कि पॉजिटिव सोचूँ, और जो उन्होंने बोला वो उनकी सोच है, और मेरे लिए हमेशा लेजेंड रहेंगे, मेरे बड़े हैं, मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। डेडिकेट अभी वक्त नहीं आया, इंशाल्लाह जब आएगा तो बताऊंगा। पाकिस्तान रिसेंटली स्पिनर्स के जो होते हैं उसके खिलाफ अच्छी बैटिंग नहीं कर पाती, तो श्रीलंका के हमेशा अच्छे स्पिनर आते हैं, तो आपकी सीरीज़ में क्या अप्रोच होगी? देखिए जी बॉलर्स चाहे जो भी हों, फास्ट बॉलर्स हों, स्पिनर्स हों, डिपेंड करता है कि हमें कैसी कंडीशन मिलती है। पहला हमारा पिंडी में मैच है, सो उससे देखेंगे कि अगर ज़ाहिर है अगर आप पहला टेस्ट खेलते हो और आप वो जीतते हो तो आपकी एक लीड हो जाती है, और आप अच्छा एक दबाव डाल सकते हो दूसरी टीम के लिए। जब सेकंड टेस्ट खेलने हम कराची आएंगे, तो आई थिंक कोशिश यही होगी हम सब की, जितने भी हैं पूरी टीम की, कि हम अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा डिलीवर करें, जहाँ जहाँ हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं उसको ओवरकम करके हम जो है डिलीवर करें। आखिरी टेस्ट आपने जो खेला उसके बाद से अब तक 7,922 रन, 26 सेंचुरियाँ, और जब आप आखिरी मैच खेले थे उसका कोई भी खिलाड़ी इलेवन में मौजूद नहीं, स्क्वाड में मौजूद नहीं, तो कैसा लग रहा है कि यू विल बी जस्ट एक डेब्यू वाली फीलिंग नहीं है? तो साल बाद आ रहा हूं, डेब्यू हो रहा है। ये मेरे ख्याल से खिदर भाई ने किसी ने पूछा था मुझसे 2-3 दिन पहले कि अगर होगा तो, मैंने कहा फीलिंग्स कैसी होंगी, तो मैंने बोला डेब्यू वाली होंगी। क्योंकि अब तो बिल्कुल भूल चुके हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, और जिस तरह आपके पास स्टैट्स होते हैं सोहेल भाई, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ जब आप बताते हैं। सो अल्लाह का बड़ा करम है ये चीज़ भी जो आपने मुझे बताई कि इतने अरसे में इतना सब कुछ किया, और इतने रिकॉर्ड्स अल्लाह ने मेरे बैक पे लगाए हैं, मेरी पीठ पे लगाए हैं, तो आई थिंक ये बड़ी ऑनर की बात है। और डेब्यू ही होगा जी, और 3 टेस्ट खेले अभी तक, और कोशिश करूँगा कि जितना इसको लंबा कर सकूँ करूँ। और वो जो फीलिंग्स हैं जैसे पहले मैच में डेब्यू में थी अगेंस्ट श्रीलंका, इन श्रीलंका, सो वैसी फीलिंग्स ही होंगी, और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला परफॉर्म भी वैसे ही कराए। इसी से रिलेटेड सवाल, डेब्यू में सेंचुरी की थी, दोबारा सेंचुरी बना के कमबैक को यादगार बनाने के लिए मैंने अभी यही बोला कि श्रीलंका में डेब्यू हुआ था, अगेंस्ट श्रीलंका ही हुआ था, सो जैसे अल्लाह ताला ने उधर इज्जत दी थी तो उसी तरह इंशाल्लाह अल्लाह ताला इधर भी कराए। है जी, ओपनिंग करा दी गई। हाँ जी, उधर ओपन की थी, अब इधर मिडिल ऑर्डर में है तो देखें इंशाल्लाह, शायद उधर अल्लाह ने ओपन में इज्जत दी थी, इंशाल्लाह इधर मिडिल ऑर्डर में ओपन देगा, मुझे मेरे रब से पूरी उम्मीद है। अब हमारे यही बॉलर है और यही विकटे होंगे, तो क्या समझते हैं कि फास्ट बॉलर कुछ चीज़ पे ज़्यादा मदद करेंगे हमारे? देखिए जी, मेरे ख्याल से थोड़ी सी जो मैंटेलिटी है ना, जो आप जब खेलने जाते हो पाकिस्तान से, थोड़ी चेंज हो जाती है। उधर बॉल और ये विकेट्स, इन चीज़ों का किसी को कोई ध्यान नहीं आता, उधर तो आपको होता है ये परफॉर्म। ये मेरे ख्याल से देखिए कोकोबुरा भी बहुत अरसे, मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि बड़े अरसे बाद लगी है, बॉलर्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि ड्यूक का बॉल होता था, पहले ग्रेस का बॉल था, फिर ड्यूक का बॉल था, अभी 2 साल, तो वो बहुत फेवर करता था बॉलर्स को। सो ये है कि जो पेसर्स हैं ना, उनको तो कोकोबुरा जो है हेल्प करेगा, क्योंकि जो पेसर है कोकोबुरा है कि वो उसको थोड़ी जान चाहिए होती है। ज़ाहिर जो मीडियम पेसर्स होते हैं उनको कोकोबुरा जो है थोड़ा ट्रबल करता है, जब नया बॉल थोड़ा ख़त्म होता है, तो जब पुराना होता है उसमें जान मारनी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रबल हुआ है। लेकिन ये फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छा चैलेंज था इस पूरी डोमेस्टिक में, कि उनको अब ये एक मैसेज गया है कि अब कोकोबुरा ही लगना है। सो आप जिस तरह ड्यूक और ग्रेस के लिए अपनी जो है तैयारी करते थे सीज़न शुरू होने से पहले, सो अब उनके पास इतना ये पूरा तकरीबन 8-9 महीने होंगे कोकोबुरा के लिए तैयारी करने के लिए। अगले जब 4 डे खेलने आए तो ये बॉल से ये चीज़ निकाल के अपना परफॉर्म करें और उसको तैयार होके आए कि भाई हमने कोकोबुरा से बॉल करना है और डिलीवर करना है, चाहे जैसी भी चीज़ें हों। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, फास्ट बॉलर्स हमारे बहुत तगड़े हैं और इंशाल्लाह ये कि वो बिल्कुल डिलीवर करेंगे जी और परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के लिए। अपना अर्सा बाहर रहे, कभी ये रीज़न जानने की कोशिश की किसी सेलेक्टर चीफ सेलेक्टर से, रीज़न क्या है आपको बाहर रखने का जबकि परफॉर्म हो रहा था? दूसरा ये कि जो आपके स्टांस पे हमेशा बात होती है कि बड़ा डिफरेंट चंद्र पॉल की तरह आपका हुआ है, ये क्या सिलसिला रहा, कब ये आपने अडॉप्ट किया और इसके पीछे क्या मतलब लॉजिक थी? हालांकि उस पर तनकीद भी हुई है लेकिन इसी स्टांस पे आपने रन किए, तो ये 2 चीज़ें ज़रा साफ। देखिए जी, बात वही है कि जब पता चलता है तो बंदा उसको ओवरकम ही कर देता है कि यार अगर ये चीज़ है तो आप इसको इम्प्रूव करो। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें थी, कोई एक आध चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं, कोई एक चीज़ सामने नहीं आ रही थी। सो बस मेरा मानना ये है एज अ मुस्लिम के होता ठीक है, जब सारी चीज़ें आती हैं, सारी मुश्किलात आती हैं, जब आपका नाम नहीं आना तो हर चीज़ बनता है, कोई ना कोई चीज़ निकल आती है। जब आपका नाम आना होता है तो देखें सारे दरवाजे कैसे खुलते हैं, हर जगह आपका नाम हो रहा होता है। जब अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है ना, सो कोई नहीं रोक सकता। किसी चीफ सेलेक्टर से कभी कोई बात हुई हो कि बताया जाए कि मैं किस रीज़न पे बाहर? देखें जी, पहले भी बात हुई थी, जब भी मिले तो वो कहते कि बस आप नॉक पे परफॉर्म करते रहो, तो कभी किसी ने ये नहीं बोला कि ये वजह है, ये वजह, ये वजह। और स्टांस का थोड़ा सा बता। स्टांस का जी स्टांस का देखिए जी, जब क्रिकेट शुरू की थी तो मैं ऐसा नहीं था। जब खेलता रहा तो पता ही नहीं चला, क्योंकि शुरू में आपको पता, जब फर्स्ट क्लास तो टीवी में जो एनालिस्ट वो भी नहीं होते थे, तो पता ही नहीं चलता था कि किस तरह खड़े हो रहे। तो जब एक टाइम पे टीवी पे खुद आया तो मैंने खुद देखा मैं किस तरह खड़ा होता हूँ, तो वो होते 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 वो ऐसे हो गया, क्योंकि आप एक कोच आप खुद होते हो, अपने एक कोच होते हैं आपके साथ जो काम करो, तो एक कोच आप खुद होते हैं कि किस में आप कंफर्टेबल चाहते हो, किस में कंफर्टेबल आप हो सकते हो। सो मेरा होते 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 खुद ही जो है मैं इस तरह खड़ा होना शुरू हो गया आई थिंक। तो और उसको मैंने एक आध बीच में कोशिश भी कम करने की, लेकिन फिर मैं वो सेटअप नहीं हो पा रहा था। सो मैंने यही फिर सोचा कि यार उसी टाइम मेरी चंद्र पॉल जब 2010-11 में, आपको याद होगा जब श्रीलंका में वो हुई थी, लीग हुई थी, मैं U1X से गया था, तो उसमें चंद्र पॉल भी था, तो उससे मेरी उस टाइम बात हुई थी और उसी टाइम स्टांस का बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरा। सो मेरी उससे बात हुई थी तो वो कहता था उसने मुझे बड़ी एक अच्छी बात कही जो मैंने नसीहत के तौर पर ली और उसी को साथ लेकर चला भी। तो उन्होंने यही कहा था मुझसे कि लोग जो है ना वो बातें करेंगे, आप चाहे जिस तरह खड़े हो जाओ, आप इस तरह खड़े हो जाओ, आप इस तरह। कहते हैं मेरे पे तुम अभी तुम तो हो, मैंने कहता है मेरे पे बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन मैंने अपने जो भी मुझसे तनकीद कर, जो भी सब कुछ करते थे, मैंने उनको चुप किससे कराया, अपने रन्सों से। सो आप जिस तरह भी खड़े हो आपको रन्स बनाने आने चाहिए, आप रन्स बनाते रहो, जो लोग आपके तनकीद करते हैं वही आपको शाबाशी भी देंगे। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर पल्ले बांध ली। तो उसके बाद से मैंने ये छोड़ दिया कि मैं यूँ खड़ा हो जाऊँ, यूँ खड़ा हो, तो मैं उसी को साथ लेकर चलता रहा और नो डाउट उससे मुझे हेल्प भी बहुत मिला। थैंक यू जी। बैठे हैं, आप जो है आप